हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ पिकर डिसऑर्डर के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं, अगर वो मिट्टी खा रहे हैं, बालू खा रहे हैं, राख खा रहे हैं, चाक खा रहे हैं, पेपर खा रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, एक तरह से वो खाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा रहे हैं, तो उस दौरान हम इसके लिए क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं कि बच्चा ये चीजें ना खाए। बहुत से पेरेंट्स की समस्या रहती है कि बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा है ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी चीजें खा रहा है, तो उसके लिए वो क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, मतलब इसके उपचार की, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें न्यूट्रिशनल थेरेपी। अब न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक आहार होते हैं, वो हम बच्चे की डाइट में शामिल करेंगे। न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम बच्चे को देंगे जो भी विटामिन होती हैं, मिनरल्स होते हैं, उससे रिच डाइट देंगे, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में जिस भी पोषक तत्वों की कमी हुई है, जिस वजह से वो ये सब जो नॉन एटेबल चीजें हैं उनको खा रहा है, उसकी पूर्ति हो जाए। जब पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी तो वो अपने आप उन चीजों को छोड़ देगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल डाइट देंगे न्यूट्रिशनल थेरेपी के थ्रू। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें हम फर्स्ट ऐड करेंगे कैल्शियम रिच डाइट। कैल्शियम रिच डाइट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि जो पीकर डिसऑर्डर है, मतलब बच्चों में जो नॉन एटेबल चीजें खाने की हैबिट्स होती हैं, वो किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम है, जिंक है या फिर आयरन है, अगर इन चीजों की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी बच्चा मिट्टी चाक वगैरह खाने लगता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है न्यूट्रिशनल थेरेपी। तो सबसे पहले हम बच्चे के डाइट में उन्हीं चीजों को शामिल करेंगे जिसकी वजह से उसको ये हैबिट्स लगी हुई है। तो इसके लिए अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बताया हुआ है कि बच्चा किस वजह से मिट्टी खाने लगता है, क्या कारण होते हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो भी कारण होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल थेरेपी, उसमें हम क्या देंगे, कैल्शियम रिच डाइट। अब कैल्शियम रिच डाइट में हम बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं, तो इसमें हम दे सकते हैं बच्चे को मिल्क, कर्ड मतलब दही, पनीर एंड डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी दूध या फिर दूध से बनी हुई सामान होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं या फिर अदर चीजें होती हैं, वो हम बच्चे को दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की नीड है उसके शरीर में, जो उसकी आपूर्ति है वो हो सके, जिसकी वजह से वो जो नॉन एटेबल चीजें खा रहा है उनको छोड़ सके। इसके साथ सेकेंड हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं आयरन रिच डाइट। अब आयरन रिच डाइट मतलब कि आयरन के लिए हम कौन सी चीजें उसके खाने में शामिल करेंगे, तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जिसमें जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, सोया हो गया, तो इनमें क्या होता है कि आयरन अधिक मात्रा में रहती है, तो अगर हम ये बच्चे के डाइट में शामिल कर दें तो उसके आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे उसको एप्पल दे सकते हैं, बीट फ्रूट दे सकते हैं, तो बीट फ्रूट तो बच्चा डायरेक्ट नहीं खाता, तो इसके लिए हम बीट फ्रूट का जूस दे सकते हैं, मतलब जो चुकंदर होता है, चुकंदर का हम उसको जूस दे सकते हैं, या फिर जो पाम ग्रेंट होता है, पाम ग्रेंट का मतलब कि जो अनार होता है, अनार का हम जूस दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अनार बच्चे को दे सकते हैं, तो इससे जो उसके आयरन की रिक्वायरमेंट है शरीर में वो पूरी हो जाएगी, और फिर जो भी उसके बैड हैबिट्स हैं, जो भी खाने की उसके बैड हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। इन सब की वजह से देखिए, डायरेक्ट बच्चा ये चीजें नहीं खाना छोड़ेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब एक हफ्ते दो हफ्ते ऐसे समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट्स 100% छूट जाएंगी अगर इसको रेगुलर व्यक्ति करता है तो। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्या है, थर्ड है जिंक रिच डाइट, क्योंकि जिंक की कमी से भी जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी या फिर जो चौक होती है वो खाने लगते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे, इसके लिए हम बच्चे के डाइट में पीनट शामिल कर सकते हैं, बनाना में भी जिंक बहुत रहता है, बनाना शामिल कर सकते हैं, आमंड मतलब कि बादाम शामिल कर सकते हैं, काजू नट शामिल कर सकते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, इनमें जो जिंक होता है वो सफिशेंट अमाउंट में रहता है। बच्चे की जो भी न्यूट्रिशनल डाइट है अगर उसमें हम इसको शामिल कर दें तो
बच्चे की जो हैबिट्स है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जो भी वो चीजें खा रहा है उसमें कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम जिस चीज की कमी को, जैसे बच्चा वो नॉन एडिबल चीजें ले रहा है, अगर उसकी कमी हम पूरी कर देंगे, अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें, न्यूट्रिशनल चीजें देखें, तो फिर बच्चा उनको नहीं खाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशनल थेरेपी। सेकेंड है बिहेवियरल थेरेपी, मतलब कि व्यवहार के द्वारा अब हम बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो इसमें भी कुछ सब पॉइंट है, जैसे फर्स्ट है सेफ इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड, मतलब कि जो भी बच्चा पीक और डिसऑर्डर से ग्रसित है, ऐसे बच्चे को हम ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो उसके लिए सेफ हो, मतलब कि उसके आसपास ऐसी चीजें ना हो जो उस जो वो खा सके। जैसे आसपास उसके किसी भी तरह का चौक मटेरियल नहीं होना चाहिए, मिट्टी मटेरियल नहीं होना चाहिए, बालू वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ऐसी नॉन एडिबल थिंग्स नहीं होनी चाहिए जिसको मुंह में डाल के चबाए या फिर उसको खाए। तो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट हमको देना है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट है रिमूविंग नॉन ईटेबल आइटम्स फ्रॉम द होम्स, मतलब घर में जो भी नॉन ईटेबल आइटम्स है उसको क्या करना है, उसको हटा देना है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो टॉडलर हो सकता है या फिर एडोलेसेंस हो सकता है, जो फीमेल्स हैं, जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो फिर ये लोग तो आसानी से घर के कोने में कहीं भी कोई चीज रखे तो आसानी से पा जाएंगे। इसलिए जो भी घर का मेम्बर है उसको ये ध्यान देना चाहिए, जो भी उनका केयर टेकर है उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर ये बैड हैबिट्स है बच्चे में या फिर महिला में या फिर किसी एडल्ट में, तो उसको घर से वो सारे सामान हटा देने चाहिए जो नॉन ईटेबल आते हैं। जैसे कहीं पे भी, जैसे मिट्टी के खिलौने हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर चॉक मटेरियल हो गया, या फिर पेपर हो गया, तो ये जितनी भी चीजें हैं जो खाने योग्य नहीं है वो सारी चीजें घर से हटा देनी है, घर में उसको नहीं रखना है। निश्चित में थर्ड पॉइंट है इनकरेज द चाइल्ड फॉर ईटिंग हेल्दी डाइट, मतलब कि जो भी बच्चा है उसको क्या करना है, इनकरेज करना है, उसको प्रोत्साहित करना है कि वो अपने खाने में क्या ले, जो भी हेल्दी डाइट है उसको ले। अब बच्चा कहने से तो सुनेगा नहीं, कि अगर हम बच्चे को कहने कि बच्चा ये पालक की सब्जी इसको आप खा लो, बेटू ये दूध है इसको आप पी लो, तो बच्चे ऐसे नहीं सुनते हैं। उनको फिर कुछ ऐसा मोटिवेशनल स्टोरी हो गई या फिर मोटिवेशनल कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे बच्चों को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, तो अगर हम बच्चे को बताएं कि अगर आप दूध पियोगे तो आप इसकी तरह बन सकते हो, आप बड़े हो सकते हो, आप पावरफुल हो सकते हो, आप हर काम बहुत आसानी से कर सकते हो, तो फिर इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसके अंदर एक तरह से सकारात्मकता आती है, वो ये सोचने लगता है कि हाँ अगर मैं दूध पीता हूँ तो इसकी वजह से मैं बड़ा होऊंगा, मेरा ग्रोथ अच्छे से होगा, मैं भी स्पाइडरमैन की तरह से बड़ा बन सकता हूँ, पावरफुल बन सकता हूँ। इसके साथ ही जो भी आप डाइट वो बच्चा आसानी से ले लेगा। तो इस तरह से ना हमको बच्चे को एक तरह से मोटिवेट करना है अपने व्यवहार के द्वारा, अपने पॉजिटिव बिहेवियर के द्वारा बच्चे के बिहेवियर को हमको चेंज करना है। यही होती है बिहेवियर थेरेपी, मतलब व्यवहार के द्वारा ही चीजों को बदलना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इंक्रीज सुपरविजन, मतलब कि जो भी बच्चा है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि पहली बात तो वो पिका डिसऑर्डर से ग्रसित है, मतलब वो ऐसी चीजें खाने का आदी है जो भी खाने योग्य नहीं होती हैं। तो इसलिए हमको बच्चे का विशेष ध्यान रखना है कि वो जो भी गलत चीजें हैं उनको ना खाए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है उन चीजों को ना खाए। इसके लिए हमको क्या करना है, पर्याप्त उसको अपने सुपरविजन में रखना है, मतलब हमेशा उसको अपने आंखों के सामने या फिर अपनी देखभाल में रखना है कि कहीं वो कोई गलत चीज ना खाए। क्योंकि जो बच्चा होता है अगर वो चौक या फिर मिट्टी खा रहा है तो जैसे ही आधे घंटे एक घंटे होते हैं तो उसका जो दिमाग होता है एक तरह से उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि अब उसे वो चीज खानी चाहिए। और ये किस वजह से होता है, ये मेन होता है दो हार्मोन्स की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये जो दो हार्मोन्स होते हैं इनको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये व्यक्ति के मूड और उसके इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। तो जब इनका जो सिक्रेशन होता है
वो अधिक या फिर कम होता है, तो इसकी वजह से जो भी सोचने समझने की क्षमता होती है वो भी अफेक्टेड होती है। तो अब जैसे बच्चा को लत लगी है मिट्टी खाने की या फिर चौक खाने की, तो उस दौरान जो भी ये हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रीट होने लगते हैं और एक तरह से ये जो बच्चे का इमोशंस होता है, उसका जो मूड होता है, उसको चेंज कर देते हैं और फिर प्रेशराइज करते हैं उस चीज को खाने के लिए जो उसके लिए सही नहीं है, और फिर बच्चा उसके लिए जिद करता है, उसके लिए परेशान होता है, रोता पीटता है। तो इस दौरान हमको बच्चे का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बच्चा बहुत छोटा है, उसको चीज नहीं मिल रही, तो उसके लिए वो जिद करेगा और उस दौरान वो कुछ भी कर सकता है, वो खुद को भी हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए हमको बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये है बिहेवियरल थेरेपी, मतलब कि व्यवहार के द्वारा हम बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे वो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट थर्ड है, इसमें थर्ड है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अब इसमें किस तरह से हम करेंगे रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मतलब कि पुरस्कार और दंड जैसी थेरेपी हम अप्लाई करेंगे। ये एक्चुअली होता है लर्निंग सिद्धांत की एक ये पद्धति है, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है दंड और पुरस्कार के द्वारा। लेकिन यहाँ पे पिगर डिसऑर्डर में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बच्चे को एक गिलास दूध दिया और हम बोलेंगे कि बेटू इसको आप तुरंत एक मिनट के अंदर फिनिश कर जाओ, अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे। बच्चों को चॉकलेट वैसे ही बहुत पसंद होती है, तो अगर बच्चा ऐसा करता है तो फिर हमको उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको रिवार्ड दे रहे हैं, एक पुरस्कार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक गिलास दूध दो मिनट के अंदर, पांच मिनट के अंदर जो भी था उसने खत्म किया। ये क्या हुआ, ये पुरस्कार हुआ। तो इस तरह से हम बच्चे को ट्रीट करते हैं। देन क्या है पनिशमेंट। अब जैसे हमने बच्चे को मना किया कि ये चीज मत खाना, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा उसको खा रहा है, तो उस दौरान हमको जरूरत पड़ती है बच्चे को पनिश करने की। उसको हम डांट सकते हैं, एक दो यहाँ पर मार भी सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीजें होती है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इसके द्वारा हम बच्चे को ट्रीट करते हैं। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करते हैं, जैसे उसका जो कोई मनपसंद चॉकलेट है या फिर मनपसंद कोई ऐसा खिलौना है जो हम बच्चे को लाके दे सकते हैं। अगर हम मान लीजिए बच्चे को खाने की थाली दें और उसमें मान लीजिए हमने दूध रखा है, एक पराठा रखा है, दाल रखा है, रोटी रखी है, सब्जी रखी है, सलाद रखा है, सब कुछ रखा हुआ है, और हम बच्चे को बोलते हैं कि सारा अगर तुमने फिनिश कर दिया तो आज हम तुम्हारे मनपसंद की जो भी टॉय होगा, जैसे कोई कार है या जो भी है, कोई वीडियो गेम है, वो लाके देंगे। अब बच्चे ने खत्म कर लिया, सारा खत्म कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको खत्म कर दिया तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो अब जब हम उसको लाके देंगे तो एक तरह से बच्चा का होगा प्रोत्साहित होगा, आगे फिर वो अच्छा काम करने के लिए और अच्छा बनने के लिए काम करेगा, जो भी हम कहेंगे उसको वो सुनेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से रिवार्ड हुआ। इसके थ्रू हम बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पनिशमेंट तो है ही, जब बच्चा नहीं सुनेगा तो हम उसको पनिशमेंट तो देंगे ही देंगे। तो इस तरह से भी बच्चे का जो पिकर डिसऑर्डर है उसमें हम बच्चे को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है मेडिकेशन थेरेपी। अब मेडिकेशन जो थेरेपी है इसमें क्या है, इसमें मेडिसिंस का यूज करते हैं। तो जो मेडिसिंस का यूज हम कर रहे हैं ये बहुत लिमिट अमाउंट में होती है और बिना डॉक्टर के सलाह के हम इसको नहीं दे सकते, लेकिन बाकी जो यहाँ पे थेरेपी है इनका यूज हम आराम से कर सकते हैं। और अगर कंटिन्यू हम इसको दो वीक तक, दो सप्ताह तक करते हैं तो बच्चा 96% 99 तो नहीं कह सकते लेकिन 95-96% उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कि जो भी उसकी आदत है गंदी चीजों को खाने की वो छूटने लगेगी, आपको रिजल्ट देखेगा। तो अगर हम बात करते हैं मेडिकेशन थेरेपी की, तो इसमें हम क्या देंगे, जैसे अब जो बच्चा है हमने देखा था कि उसको कैल्शियम की जरूरत थी, तो हम अपने डाइट में तो न्यूट्रिशनल थेरेपी में तो उसको कैल्शियम दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम टेबलेट यूज कर सकते हैं या फिर सिरप यूज कर सकते हैं, किसी चीज का कैल्शियम का, इसके साथ ही हम आयरन का सिरप यूज कर सकते हैं या फिर हम जिंक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टैबलेट जो यूज होती है वो स्पेशली तब यूज होती है जब व्यक्ति को किसी तरह का कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, कोई मानसिक बीमारी होती है, तब इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है, स्पेशली इसका यूज किया जाता है सिजोफ्रेनिया में या फिर जो मूड डिसऑर्डर होता है उसमें, इसका नाम है
जैप्रेक्सिया, ये जो जैप्रेक्सिया मेडिसिन होती है ये सेकेंड जनरेशन की, ये सेकेंड जनरेशन की साइकोटिक मेडिसिन होती है जिसका यूज स्पेशली किया जाता है सिजोफ्रेनिया में। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं उनको ये बैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, साथ ही जो व्यक्ति का मूड होता है, उसका बिहेव होता है, वो सभी पॉजिटिव में चेंज होता है। तो इस तरह से पीका में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन तभी यूज करते हैं जब पीका डिसऑर्डर किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हुआ हो, मतलब किसी भी तरह की मानसिक बीमारी की वजह से अगर बच्चा ये चीजें खा रहा है, धूल मिट्टी खा रहा है, तब हम इस टैबलेट्स का यूज करते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट बताया इसके थ्रू ही पीका डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। तो आज हमने देखा कि जो पीकर डिसऑर्डर होता है बच्चों में जो गलत चीजें हैं उनको खाने के जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।